तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विला अय्यून, और खैर से आपको ये जो मेरे पीछे गिर्दोनवा नज़र आ रही, ये विला अय्यून की है। अय्यून विलेज से ऊपर एक काफ़ी स्टीप रास्ता आता है विला अय्यून की तरफ। बहरहाल ये है व्यू, ये है विलेज अय्यून की एंट्रेंस, जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और आगे आएँ तो काफ़ी प्यारा व्यू भी बहुत प्यारा है। एनवायरमेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। आपके सामने आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर इस वक्त जो कि वेदर एक तो एक बहुत प्यारा सीन बना हुआ है। आपको सामने ऊपर क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, और ये सामने इनका फ्रंट यार्ड है जिस पर बेंचेस पड़े हैं, टेबल्स पड़े हैं, जहाँ पर आप बैठें, आप लूडो शुडो खेलें, आप बैडमिंटन खेलें। बहरहाल ये सामने आप व्यू चेक कर सकते हैं, वो सामने दरियाए चित्राल बह रहा है जिसको आप व्लॉग में पहले देख चुके हैं। ऊपर बादल हैं, दरख्त हैं, और ये हमारा होटल है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ का रूम भी विज़िट करवा देता हूँ जो कि हमने लिया है। ऊपर वाले हमने दो रूम्स लिए हैं और एक नीचे वाला रूम लिया है। ऊपर वाले रूम से काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था। ये इनका स्टेयर केस है, लेकिन एक स्टेयर केस अंदर से भी जा रहा है जो कि होटल के अंदर से है, और वो इससे ज़्यादा बेहतर है। और रूम्स की अगर बात करें तो रूम्स सेंट्रली हीटेड से और सेंट्रली कूल्ड हैं। ऑफ कोर्स कूलिंग का तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हीटिंग की ज़रूरत ज़रूर है। तो हियर इज़ आवर रूम नंबर वन, जिसमें ये हमारे पास दो सिंगल बेड्स हैं, और ये हमारे पास सामने ड्रेसिंग टेबल मौजूद है, एसेस टेबल विद अ मिरर। ये हमारे रहे कैबिनेट्स, और एज आई डिस्कस्ड के वॉशरूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या यहाँ पर ये आपको बाथ लेने के लिए बहुत प्यारा स्पेस मिल रही है, और ये एंड हियर इज द वैनिटी सिंक। तो या ओवरऑल अगर हम होटल की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, व्यू की बात करें, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये बाहर शेयर्ड बालकनी है, ये मतलब इस रूम के लिए नहीं है, ये यहाँ सब कोई भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं, इसको आप आगे कर सकते हैं। और मैं आपको बालकनी से भी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ जो कि बहुत बहुत कमाल आउटस्टैंडिंग है। सो हियर इज़ द व्यू। इस वक्त बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर आज स्नोफॉल होती, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। उम्मीद है होगी भी, अगर हो जाए तो अच्छा है, व्लॉग आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ऑफ़ कोर्स मेरा विज़िट भी मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये पहाड़ों के ऊपर बहुत हसीन बादल नज़र आ रहे हैं, इट इज़ एडिंग अ लॉट टू दिस व्यू। वैसे तो दिस व्यू इट्सेल्फ इज़ आउटस्टैंडिंग, लेकिन बादल इस व्यू को मज़ीद हसीन बना रहे हैं। सामने रिवर चित्राल है, उसके ऊपर ये हसीन पहाड़ है, और पहाड़ों के ऊपर ये बादल, इट इज़ एडिंग अ लॉट। एंड हियर इज़ आवर रूम नंबर टू। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थोड़ा छोटा विला है, ऊपर वाले फ्लोर पे देर वर ओनली टू रूम्स, जिसमें से दो हमने बुक करवा लिए। और ये वाला रूम काफ़ी स्पेशियस है, जैसा कि आपने ऊपर वाला रूम भी देखा है, वो वाला थोड़ा छोटा रूम था। ऊपर वाला जो दूसरा रूम था वो थोड़ा बड़ा है। एंड नॉट फॉर यूज़, आई डोंट नो इसके ऊपर इन्होंने नॉट फॉर यूज़ क्यों लिखा हुआ है, ये मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ। एंड हियर इज़ द फ्रिज, और ये एक बुरा जेस्चर है कि फ्रिज बिल्कुल खाली है। दे कुड हैव सम स्नैक्स और फ्रूट्स इन द फ्रिज। और हियर इज़ द वॉशरूम। इस वॉशरूम में भी वैसे ही एक बाथ एरिया है जिसका अलग से डोर नहीं है जैसा ऊपर वाले में था। हियर इज़ द वैनिटी सिंक। एंड या बाकी सब आपने देख लिया। ये यहाँ पर एक शेयर्ड एरिया है जहाँ पर आप बैठ के गपशप मार सकते हैं, मूवी देख सकते हैं इफ़ यू हैव मूवी इन USB। और ये स्टेयर केस है विच इज़ गोइंग अप। जैसा अभी मैंने आपको बाहर वाला स्टेयर केस दिखाया था, आई वाज टेलिंग यू कि एक अंदर से भी स्टेयर केस जा रहा है ऊपर को। मैं इस वक्त नीचे डिनर बुफे करने जा रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू कि हम विलेज अय्यून के विला अय्यून में स्टे कर रहे हैं। इस वक्त काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर इज़ -3 डिग्री सेल्सियस हियर। और इस वक्त मैंने ये जैकेट, मैंने ये कैप पहनी हुई है, और मुझे
अभी भी ठंड लग रही है, बट इस वक्त मैं ये व्यू आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये इनका एक साइड पर लॉन है बिल्कुल इनके मेस के सामने। आई डोंट नो व्हाट टू से इट, वी शुड रादर से इट अ मेस और डाइनिंग रूम और व्हाटएवर, बट ये जगह है जहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट बुफे एंड डिनर बुफे एंड ऑफ कोर्स लंच बुफे एज वेल ये सर्व करते हैं। एंड या फिलहाल हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं एंड आई विल लेट यू नो कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल मुझे लगता है मैं वक्त से वैसे टाइम जो इन्होंने बताया था इट वॉज 7:30 PM, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं 7:30 पे आया हूँ, बट ऑल ऑफ द थिंग्स आर नॉट रेडी। अभी ये इसको चीज़ों को अपनी जगह पर रखने जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर लेते हैं एंड आई विल लेट यू नो दैट हाउ वाज द फूड। सो हियर लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द डिनर। ये काबली पुलाव है, आई कांट फाइंड मीट इन काबली पुलाव, मे बी इट इज डाउन देयर। सो वी हैव मखनी हांडी। ये कौन सी हांडी है? ये मलाई चिकन, मलाई चिकन, मलाई हांडी। विच दाल इज दिस? चने की दाल, मसूर की दाल एंड नान। सो हेयर वी हैव आवर बुफे प्लेट रेडी। और इसको टेस्ट करने से पहले द वेरी फर्स्ट कम्प्लेन विच आई हैव इज कि इन्होंने काबली पुलाव को मीट के बगैर बनाया है। सादा काबली पुलाव इसको ये बोल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ द टेस्ट इज, बट मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस बात से कि काबली पुलाव है लेकिन अंदर मीट नहीं है। बट लेट्स सी के हाउ इट टेस्ट। टेस्ट इज प्रिटी गुड, बट हाँ यही बुफे में आइटम्स कम है। एक तो सिर्फ एक चिकन की कढ़ाई है, चिकन ग्रेवी है, एक दाल है और काबली पुलाव विच इज़ ऑल्सो विदाउट मीट। तो इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 9:30 और द वेदर इज़ सनी, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस वक्त आप ये होटल के फ्रंट लॉन का व्यू देख सकते हैं, स्पेशली दिस व्यू ऑफ दीज माउंटेन्स, इट्स प्रिटी आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। एंड राइट नाउ अब मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठने लगा हूँ, धूप में बैठ के कुछ देर मैं रिलैक्स करूँगा। यहाँ पर हम चाय वगैरह पियेंगे। विला अयून में मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड, लेकिन मुझे इनका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एज आई टोल्ड यू इन द डिनर एज वेल। और तो इस वजह से वी हैव डिसाइडेड कि हम ब्रेकफास्ट यहाँ से नहीं करेंगे, वी विल डू रिफ्रेशमेंट, चाय पियेंगे और कुछ पास्ता या मे बी स्नैक्स वगैरह ले लेंगे यहाँ से, और नाश्ता हम आगे चित्राल जाके करेंगे। तो इस वक्त तकरीबन 11:30 हो चुके हैं एंड वी वर अबाउट टू लीव फ्रॉम हेयर, लेकिन फ़िलहाल मुझे एकदम से एक और यहाँ की विला अयून की एक अट्रैक्शन याद आई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले यहाँ डिस्कस नहीं की, विच इज़ कि ये पेट फ्रेंडली है एंड दे हैव टू पेट्स, पेट डॉग्स हेयर। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही है और मैं उसको बुलाता, बिस्किट बिस्किट कम 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 बिस्किट कम 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 आजा जल्दी से आजा। तो सो हियर इज़ बिस्किट, ये इनका वेल ट्रेंड डॉग है जो कि इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है एंड ही इज़ अ जेंटलमैन। सिट 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 सिट। तो फिलहाल ये मेरी बात नहीं सुन रहा सिट कहने पे, जिससे मुझे अपनी फ्लफी की भी याद आ गई है जो भी अक्सर नहीं सुनती होती। अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं तकरीबन 11:00 PM। यहाँ से चित्राल का सफ़र है 1.5 घंटे का और पहले हमें नाश्ता करना है कहीं पर, क्योंकि हमने यहाँ से नाश्ता नहीं किया एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे नाश्ता बिल्कुल भी, रात का डिनर बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आया। तो हम नाश्ता करेंगे चित्राल में कहीं और उसके बाद हम कुछ एक दो पॉइंट्स घूमेंगे और फिर वी विल बी गोइंग टू हिंदुकश हाइट्स। तो या लेट्स सी हाउ द ट्रिप कंटिन्यूज़।